हेलो एवरीवन, दिस इज शिफाली वियागी हियर एंड दिस इज़ द वीडियो फॉर फोर्थ क्लास। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लिए थे, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में जो भी बड़ा है नंबर, उस नंबर की तरफ बड़े का साइन लगाना है और जो भी छोटा है उसकी तरफ छोटा। ठीक है, तो हमें ये साइन पुट करने हैं तीनों। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले कोई भी नंबर बड़ा देखने के लिए सबसे पहले देखेंगे हम कितने डिजिट हैं। अगर डिजिट बराबर है तो फिर हम उससे नंबर देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। कैसे देखिए, जैसे ए पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है, ये 5681, ये 5816। तो देखिए इनमें डिजिट बराबर है, चार डिजिट इसमें है 1234, चार इसमें है 1234। लेकिन ये जो पहले वाला नंबर है थाउजेंड वाला प्लेस वाला देखेंगे, ये भी इक्वल है, 5 लिखा हुआ है। फिर हम थाउजेंड से नेक्स्ट वाला नंबर डिजिट देखेंगे। ठीक है, जो थाउजेंड हंड्रेड वाले डिजिट है वो क्या है, 6, और जो यहाँ पे हंड्रेड वाले डिजिट है वो क्या है, 8। तो 8 बड़ा होगा या 6 वाली बड़ा होगा, ऑफकोर्स 8 वाला नंबर बड़ा होगा ना, तो हम इसकी तरफ को ऐसे कर देंगे। ठीक है, ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ठीक है, सेम ऐसे ये वाला नंबर देख लीजिए, बी पार्ट देख लीजिए एक बार, ये 69410, 69342। तो 410 वाला बड़ा होगा या 342 वाला, ऑफकोर्स 400 वाला बड़ा होगा ना, तो इसलिए हम इसकी तरफ को ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ये हो गया लेस देन, ये लेस देन है इससे। ठीक है, ये लेस है और ये ग्रेटर देन है। इस तरह हम ये आगे के पार्ट्स करेंगे, ये आपको खुद करने हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखना है आपको, असेंडिंग ऑर्डर। मैंने आपको बताया था असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग। ठीक है, बढ़ता हुआ। तो जब हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। अब इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, ये 4000, ये 3000, ये फिर 4000, 2000, ये 3000 वाला। तो इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा वो कौन सा वाला होगा, 2000 वाला होगा। तो सबसे पहले हम ये वाला नंबर लिखेंगे। ठीक है, 2697। फिर इसके बाद हम देखेंगे इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 वाला होगा ना, या तो ये वाला होगा 2 के बाद 3000 वाला, या ये वाला होगा। अब ये तो है 3800 और ये है 3900, तो कौन से वाला, इन दोनों में कौन से वाला बड़ा छोटा होगा, ये वाला होगा ना, तो हम फिर ये लिखेंगे 3824। फिर इसके बाद हम ये वाला नंबर लिखेंगे, 3 वाला ही, 3971। अब इसके बाद कौन से वाला बड़ा होगा, इससे बड़ा कौन सा होगा, ये 4100 है और ये 4200 है, तो कौन सा वाला लिखेंगे हम, 4183। और फिर जो सबसे बड़ा है इनमें, सबसे बड़े वाला, फिर सबसे बाद में यही रह गया, लास्ट यही बचा है, तो सबसे बाद में हम यही लिखेंगे, 4281। ठीक है, तो इस तरीके से असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ता हुआ, पहले सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बाद में सबसे बड़ा। तो असेंडिंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे और सबसे बाद में सबसे बड़ा लिखेंगे। ठीक है, फिर है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है, 8000 वाला बड़ा होगा। अब 8000 में 300 वाला बड़ा होगा या 500 वाला, 500 वाला बड़ा होगा, तो सबसे पहले हम लिखेंगे ये 8503। फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, फिर 8000 वाला लिखेंगे 8375। ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा छोटा 7000 वाला होगा। अब 7000 वाले में कौन सा छोटा होगा, 0 वाला, 1 वाला या 2 वाला, ऑफकोर्स 0 वाला है ना, सबसे छोटा तो ये होगा ना। हमें लिखेंगे इसके बाद हम कौन से वाला नंबर लिखेंगे, 7000 वाला, 7219। ठीक है, फिर इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, 1 वाला, 2 वाले से छोटा तो 1 वाला होगा ना, तो हम क्या लिखेंगे, 7128। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे सबसे छोटा 7063। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा छोटा उससे छोटा, और फिर सबसे बाद में सबसे छोटा नंबर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे।
ठीक है, तो इसके जितने भी पार्ट्स हैं आपको खुद करने हैं। इसके 4 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 3rd के, और क्वेश्चन नंबर 4 में जो ये 4 पार्ट हैं आपको खुद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी 4 पार्ट हैं, ये भी आपको खुद करने हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रेडिसेसर और सक्सेसर मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। प्रेडिसेसर में 1 माइनस करते हैं और सक्सेसर में 1 प्लस करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपको बता देती हूँ ना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है उसमें क्या करना है आपको, प्रेडिसेसर और सक्सेसर बताना है। मैंने आपको बताया था प्रेडिसेसर निकालने के लिए हम माइनस करेंगे 1 और सक्सेसर निकालने के लिए हम प्लस करेंगे 1। तो ऐसे ही इसमें माइनस 1 कर देंगे, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8। तो ये तो हो गया प्रेडिसेसर। और अगर हम 1 ऐड करेंगे, 9 में 1 ऐड करेंगे 0, यहाँ पे 1 कैरी में गया, 7 और 1 8, फिर 6 और फिर 8, तो ये हो गया आपका सक्सेसर। ठीक है, तो प्रेडिसेसर में 1 माइनस करेंगे और सक्सेसर में 1 प्लस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं, ये भी आपको खुद करने हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कंप्लीट करना है अपना होमवर्क।